बड़ खबर आसी जहां पहुंचुची 80 फुट गभीर बोरवेल गातरे पड़ी शिशु छत्तीसगढ़ आसी एभली अभावनीय दृश्य छत्तीसगढ़ जानजगीर चंपार मालखादुआ पुलिस स्टेशन अधीन पिरोहिट गाँव आसी दृश्य 10 वर्षर शिशु गत कालीठ बोरवेल गातरे पड़ जा खबर आसुची घर पछरे खेलुवा समय से खसी पड़ा गात भितर एवं दीर्घ 18 घंटा धरी उद्धार कार्य जारी रही शिशु उद्धार कार्य जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग टीम नियोजित रही घटनास्थल में आईजी डीजी कलेक्टर एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी अच्छा शिशुटी को निरापद बाहर को अणाजाई उद्धार कार्य जारी रही सीसीटीवी माध्यम से शिशुर कार्यकलाप नजर रखा पखापाखि 18 घंटा हो शिशुटी फसी रही किछि किछि समय व्यवधान में खाद्य सामग्री पठा जा कदळी फल एवं अन्यान्य खाद्य सामग्री पठा जाइछि शिशु जनक परिवार सदस्यों सह कथाबार्ता मेडिकल टीम नियोजित रही अम्लजान सिलिंडर रखा जाइछि पाइप माध्यम रे अम्लजान भितर को पठा जाउछि स्वास्थ्य अधिकारी एक टीम नियोजित रही चारिआडे बैरिकेडिंग एवं राति सारा उद्धार चलिथिबारु आलोकीकरण करा जाइछि एवं वर्तमान दिन रे खरारे तापमात्रा बढ़ुवर विकल्प व्यवस्था मध्य करा स्थानीय कलेक्टर निर्देश में ओडिशार विशेषज्ञ आवश्यक मार्गदर्शन निया सूचना मिली उद्धार कार्यपाई बोरवेल चारिटी बड़ बड़ मेसीन नियोजित होती पाखे जिला कोरबा बिलासपुर रायगढ़ बड़ मेसीन अणाजा सहित बोरवेल कि मीटर पर्यंत जेसीबी द्वारा खनन एनडीआरएफ द्वारा यह स्थिर कर जे जेसीबी रु प्राय 60 रु 65 फुट खोलिबा द्वारा एक टनेल तयारिबा परे फसी रहितबा शिशु पाखरे पहुँचबार संभावना रही शिशु को सुरक्षित उद्धार करबा पई आवश्यक पदक्षेप नेबा पई मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल अधिकारी मानंकु निर्देश देछंती। रविनारायण साहू प्रतिनिधि मध्ये जुड़े सारछंती अधिक अपडेट सहित रविनारायण देखिबा गोटे बड़ ऑपरेशन खास करके परिवार लोकंकर वर्तमान हृदय स्पंदन कौन होकर अवस्था कौन थी निहाती भाव आम पक्ष कह संभव नुहे तबे समस्त प्रचेषा जारी रखिंट कि भाव में शिशुटी को सुरक्षित भाव उद्धार कर देखु कमलाकांत दुखद घटना छत्तीसगढ़ जो राज्य रही जांजगीर चापार जो पीड़ित गाँव में 10 वर्षर शिशु जो बोरवेल गात पड़ जाइए गत काली 4 बेले घरे घर पछपटे से खेलाखेली करुते खेलाखेली कर समय से हठात से खोल जा गत भितर बोरवेल भितर से पड़ जाते हैं से जो गत जो दु तीन टाइम करपा स्टेटमेंट जहाँ रही जो पाई ये करने बोरवेल से दु तीन जगह से खोलाखोली करते पा बाहर नाला तो भाव में ही छाड़ दी से गतटा को से पोतापोती कर तो से जगह एवं बर्तमान से छुआटे जो राहुल से खेलाखेली कर समय से गत भितर पड़ जाता आते बेले घर लोक खोजाखोजी करते से समय नपाई कि जो गाँ देहा अंचल जो बाटी कर डका जाए से समय तो से आवाज से शुणी पार्ला से छुआटा और बाटी करता से भितर तो से करापुर 112 नंबर को छत्तीसगढ़ राज्य जो रही हेल्पलाइन नंबर से नंबर में फोन करी सा मागे साहय मागला पाखापाखि जिलूर जो रही रायगढ़ विनाशपुर यही अंचल बड़ बड़ मेसिन मत आई कि ये बड़ बड़ जिन कमलाकांत भूपेश बाघेल जी रही छत्तीसगढ़ सीएम सी गोटे सूचना देते ट्विटर माध्यम रे कि एनडीआरएफ जो ओडिशा टीम रही सी अंचल को जाइए आउ एनडीआरएफ रो जो टीम अच्छे से भल कम करती जो ओडिशा राज्य में जो विपद समय जो आसता है बनिया बात जो एनडीआरएफ जो कार्य रही कार्य को से देखी शुणी तो से नियोजित कर उद्धार कार्य और गोटे भूपेश बाघेल से घटना उपरा सीधा सड़क नजर रखिंट बारंबार ट्विट कर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मान सहित जोजोग कर शिशुर कौन अपडेट रही खाइबा खाऊ कि नहीं अक्सीजेन ठीक भाव में पाई कि नहीं उधार कार्य केमती चली मेसीन साते खोलागला तो बर्तमान जो खोल कथा मुझे कहि जो पाखापाखि जो 80 फुट रो गत रही गत भितर पाखापाखि 45 फुट से खोल सक्षम हो पार्टी पाखापाखि आउे खोलिकी से छुआ को उद्धार करने पाखापाखि 5 रु 6 घंटा लगे से स्थान प्रशासनिक अधिकारी सूचना दूसरी कमला आहरी 5-6 घंटा लगे तेज यार भितर पिलाटी पाखक अम्लजान और खाद्य पठा जा तेज 18 घंटार संघर्ष से कर सारी आहरी जदि 4-5 घंटा समय जमीक आपंट भी कहते 5 घंटार समय लगे पूरापूरी जदि खोल जाऊ टनेल
ଟିଟିପିଏଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଶିଶୁଟି ଆଉ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ କରିବ। ରବିନାରାୟଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମୟ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ଶିଶୁ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତା ପରିବାର ଲୋକ। ତ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଘଣ୍ଟାର କଥା ରହିଛି, ସେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏବେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯୋଉ ମାଟି ଯୋଉ ଖୋଳା ଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଲେଭେଲରେ ସେ ଶିଶୁଟି ଯୋଉ ମାଟି ପତ୍ର ଖସିବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେମାନେ ଏଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଡିନେସନରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିକି ସେ ଶିଶୁଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ମାନେ ସେଠାରେ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଶିଶୁଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେ ବୋରୱେଲ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁ, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି, ସେଠାରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରବି ନାରାୟଣ ରହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।